फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है चैप्टर एपी से। क्वेश्चन इज इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, उसमें टर्म्स हैं 50, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 210। फर्स्ट 10 टर्म का सम है 210, मीन्स S10 हमारे पास आ गया 210। एंड सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स, ये ध्यान से देखिएगा कि लास्ट 15 टर्म का जो सम है, लास्ट 15 टर्म्स 2565 है। तो मैं स्टार्ट करूंगा इसको यहाँ से, हमें ए पी फाइंड करना है। क्वेश्चन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि सम ऑफ एन टर्म्स, सो एस एन का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, S10 इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन। 10 माइनस 1 हो गया 90। तो ये मेरे पास है 210, 210 इक्वल्स टू कट जाएगा 5 पे, 5 इंटू 2a प्लस 90। अब ये 5 इसको काट देगा 42 पे, तो मेरे पास आएगा 42 इक्वल्स टू 2a प्लस 90। ये मेरे पास पहली क्वेश्चन आ गई कि 2a प्लस 90 इक्वल्स टू 42। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो सेकेंड इक्वेशन मैं यहाँ से बनाऊँगा कि लास्ट 15 टर्म का सम है, तो यहाँ से देखो मेरे पास है 50 टर्म्स है मेरे पास टोटल। उसमें से जो पहली टर्म्स हैं 10 टर्म्स का सम दिया है, लास्ट 15 का मतलब क्या हो गया, S15 अगर मैं निकालना चाहूँ कि जो मेरे पास 15 टर्म्स है, तो होगी S50 माइनस 30, 50 में से अगर मैं 35 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 15 बचेगा, तो लास्ट 15 टर्म्स हो वो बचेंगी। तो मैं लिखूँगा कि S50 में से अगर मैं S35 निकाल लूँ, फर्स्ट S35, तो वो मेरे पास 15 टर्म का सम बच जाएगा 2565। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 50 जो फर्स्ट 50 है, 50 में से मैं अगर फर्स्ट 35 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो लास्ट की 15 टर्म्स हैं वो रह जाएंगी। तो ये इसका जो इक्वेशन बनेगी कि S50 टोटल जो 50 टर्म्स है उसमें से फर्स्ट 35 का सम माइनस कर दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा मैं SN का फॉर्मूला लगा के, An/2 इंटू 2A प्लस 49D और माइनस, ये फर्स्ट 35 है तो 35/2 इंटू 2A प्लस 34D इक्वल्स टू आएगा मेरे पास 2565। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ये कट गया 25 पे, और मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ सब में से, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 2A प्लस 49D। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो 7/2 आ गया इंटू 2A प्लस 34D इक्वल्स टू, यहाँ से 5 से मैं अगर काट दूंगा उसको तो 513 बचेगा। इसको भी मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो मैंने कॉमन लिया था उससे डिवाइड कर दिया तो 513। अब एक मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 5 2s हो गया मेरे पास 10, 10D प्लस यंग हो गया 10A और 245D माइनस 7/2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो इसको हो गया मेरा 2 से 2 कटेगा तो 7A आ गया, 7A माइनस 2 से पहले डिवाइड किया 17 सेवन जो जाता है 119D इक्वल टू 513। अब 10A और 7A मेरे पास रह गया 3A प्लस 245 में से 119 माइनस करूँगा तो 126 आएगा, 126 इक्वल टू 513। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। इसमें से भी अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 3 कॉमन लेने के बचेगा A प्लस 42D इक्वल्स टू 171। ये मेरी होगी सेकेंड इक्वेशन, ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको लगता हूँ साथ में, तो ये हो गया 2A प्लस 90 इक्वल्स टू 42 और यहाँ से आ गया 2A प्लस 84D इक्वल्स टू 342। सबट्रैक्ट किया, ये कट गया, तो मेरे पास है माइनस 75D इक्वल्स टू माइनस 300, तो D यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4। अब मैं D की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, 2A प्लस 9 इंटू 4 इक्वल्स टू 42, तो 2A प्लस
ये मेरे पास आ गया 36 इक्वल्स टू 42, तो ए मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 और ए आ गया 3। तो ए मेरे पास 3 है, मींस फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है, सेकंड टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 3, फिर सेकंड आ गई ए प्लस 2, ए प्लस डी हो जाएगी 7, फिर हो गया इसमें और 4 ऐड करेंगे 11, फिर 15, तो ये मेरी ए पी बन जाएगी, ये ए पी बनेंगे इस तरह से। ये इसका आंसर है। थैंक यू।